जय हिंद। इस वीडियो में तिलक वेंचर्स शेयर के बारे में बात करेंगे। गाइस, यह एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके मैक्सिमम इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। फंसे हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं अभी नुकसान में चल रहे हैं। मैं खुद नुकसान में चल रहा हूँ, तो इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि इस नुकसान की भरपाई कब होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि भरपाई होने के कोई चांस है भी या नहीं। इसका जवाब अभी सुन लीजिए। इसके नुकसान की जो अभी आपको नुकसान हो रहा है, उसके भरपाई होने के बिल्कुल चांस हैं और उसके आसार भी नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में समझेंगे कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि तिलक वेंचर लिमिटेड जो कंपनी है, यह फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ में कमोडिटी ट्रेडिंग की भी सुविधा करती है। लेकिन फाइनेंस सेक्टर से होने के बावजूद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ओके है। समझेंगे उसको बाद में, फिलहाल शुरू से समझते चलते हैं। देखिए, मार्केट कैप है 275 करोड़ रुपये। मार्केट कैप के लिहाज से पेनी स्टॉक तो है, लेकिन उसमें थोड़ी ऊपरी लेवल की कंपनी है, एक माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी इसको कह सकते हैं। और शेयर प्राइस देखेंगे तो 12 रुपये आज के दिन का शेयर प्राइस है। आज भी लगभग 0.90% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। समझेंगे, इस गिरावट का दौर तो बहुत दिन से जारी है, लेकिन अगर अभी देखें तो एक सप्ताह में लगभग 5% या शेयर टूट चुका है, एक माह में लगभग 6.5%, और 6 माह का रिटर्न भी देखेंगे तो निगेटिव में आ गया है, लगभग -21% के आसपास 6 माह में टूट चुका है। हालांकि साल भर का रिटर्न अभी भी इसका पॉजिटिव में है, लगभग 550% के आसपास। लेकिन अगर ये गिरावट ऐसे ही चलता रहा 6 माह और, तो ये साल भर का रिटर्न भी निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि 6 माह से हाई लगाने के बाद से नीचे स्टॉक जा रहा है। यहाँ समझिए, ये हाई लगाया था अपना 38 रुपये का दिसंबर 2021 में, पिछले साल अपना हाई लगाया था। हालांकि यह 52वीं का हाई है। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई है इसका 212 रुपये का। एक समय यह स्टॉक 212 रुपये के करीब तक पहुंच गया था, और वह दिन था नवंबर 2014 में। इस स्टॉक के काफ़ी अच्छे दिन चल रहे थे, हालांकि 2015 तक स्टॉक के काफ़ी अच्छे दिन चले। आप यहां समझेंगे, 2015 तक इस स्टॉक का प्राइस अच्छा रहा, लेकिन 2015 से जैसे जैसे 2015 खत्म होने तक शेयर का प्राइस डाउन होते चला गया, और फाइनली ये 2019 तक पूरा डाउन ट्रेंड में रहा। 2020 से इसमें मूवमेंट होना शुरू हुआ, मतलब 2020 से फिर इसमें तेज़ी आना शुरू हुआ, और ये तेज़ी आते आते फाइनली दिसंबर 2021 तक अपना देखेंगे हाई लगाया 38 रुपये का। लेकिन दिसंबर 2021 में अपना 38 रुपये का हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस फिर डाउन जाने लगा, और अभी देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है। लगभग फरवरी से देखेंगे तो कंसोलिडेशन रेंज में, और अभी पूरा अप्रैल खत्म हो गया, अब मई शुरू हो गया, अभी भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ही है। तो उम्मीद है कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलेगा, अब होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो जब तक वो कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता है, ना स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ना स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। तो उम्मीद है इससे बाहर जब निकलेगा तब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहां तक तो आप बात समझ गए, बिजनेस मॉडल समझ गए, और इसमें चल क्या रहा है वो मैंने आपको बता दिया। और हम देखते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की कैसी है। तो देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन में बेसिकली 3-4 पॉइंट पर ध्यान देना होता है। पहला पॉइंट है कर्जा का, कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितनी है। तो कर्जा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ 38 लाख का इसके ऊपर कर्ज है, और वह भी देखेंगे तो इसके पास रिजर्व है 13 करोड़ 36 लाख का। तो कंपनी जब चाहे अपना कर्ज को चुका सकता है। हालांकि कंपनी चलाना है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज होता है, कर्ज ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह कि यह कर्जा भले 2 करोड़ 38 लाख का दिख रहा है, ये पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो इसी के रेंज में रह रहा है, ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा कम हो रहा है। बढ़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, हालांकि धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, जब प्रॉफिट में आएगी तो ये अपना कर्जा धीरे धीरे कम कर लेगी। समझिए, अभी तो Q4 का रिजल्ट आने इसके बाकी हैं, लेकिन Q3 में क्या हुआ था कि इसका जो रेवेन्यू हुआ था कम हो गया था। देखिए, Q2 में कंपनी को 27 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, लेकिन Q3 में यह कम होकर रह गया 20 लाख का। तो जब रेवेन्यू में कमी आया तो प्रॉफिट में कमी आना स्वाभाविक है। तो इसका प्रॉफिट जो Q2 में हुआ था 21 लाख का, लेकिन Q3 में देखेंगे तो कम होकर निगेटिव में चला गया था, यानी कि Q3 में इसको लॉस हो गया था, प्रॉफिट नहीं हुआ था। और लॉस भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ था, काफ़ी बड़ी रकम इसको कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक के लिए। तो उम्मीद है अगर Q4 का रिजल्ट में यह प्रॉफिट में आ जाता है जो लॉस है, पक्का ऑपरेटर्स इसके शेयर प्राइस को लेकर ऊपर जाएंगे। फिर हम लोग जो फंसे हुए हैं इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत अपना बेचेंगे प्रॉफिट में आने के बाद और निकल जाएंगे। इसका अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो Q3 में निगेटिव में आ गया था। देखिए, मैंने अभी तक 2 पॉइंट बताया आपको, कर्जा वाला पॉइंट और ये क्वार्टरली पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो देखिए, बुक वैल्यू 1.17 रुपया, ठीक है, बुक वैल्यू पेनी स्टॉक का 1 रुपये से अधिक है तो बढ़िया है। ज़्यादातर तो कंपनी का बुक वैल्यू निगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 5.5% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 5% के आसपास है। तो यह दोनों निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है, यानी कि यह पॉइंट भी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा अधिक होता तो ज़्यादा बेहतर आता। अब समझेंगे, इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी है लगभग 62%
आसपास इस कंपनी में प्रमोटर्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 38% के आसपास है, तो यह पॉइंट भी ठीक है। फंडामेंटल के मैंने कुल 4 पॉइंट बताए आपको, जिसमें से 1, 2, 3 पॉइंट पॉजिटिव है, एक ही पॉइंट निगेटिव है, तो यह फंडामेंटल इसको कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कहेंगे। पेनी स्टॉक के हिसाब से फंडामेंटल इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके है। अब ओवरऑल समझिए आपको करना क्या है। पता है कि आप में से जब बहुत सारे लोग अभी लॉस में हैं, तो लॉस में देखिए जब आप आ ही गए हैं तो हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेशक आप बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा, पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, जीरो तो हो ही गया, जीरो होने के बाद आप लॉस में आए हैं, तो मेरा अगर सुझाव मानिएगा तो मैं कहूँगा बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है कंपनी अपने आप को बाउंस बैक करेगी, और जब बाउंस बैक करेगी प्रॉफिट में हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद बेच के निकल जाएंगे। मेरा यही ख्याल, मैं तो रुका हुआ हूँ ना, मैं लॉस में हूँ तो मैं रुका हुआ हूँ कि जब तक इसको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं लॉस में तो बेचने वाला नहीं हूँ, चाहे कितना भी निगेटिव हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसमें कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां शेयर बाजार से संबंधित डेली अपडेट आपको मुहैया कराए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।